जितने भी लोग आए सब काल के अधीन रहे, सब उसी के आदेश के अंतर्गत रहे। जितने भी अवतारी सत्य पीर पैगंबर आए सब के सब, और ये पद मालिक का इन सबसे परे, वो ईश्वर से भी परे, ब्रह्म से भी परे, पार ब्रह्म से भी परे, माता और पुरुष से भी परे। और ये इन्होंने किसी ने एक पद प्राप्त किया, किसी ने दूसरा, किसी ने ईश्वर को देखा, किसी ने ब्रह्म को, बस इसी का वर्णन किया और आगे का भेद नहीं जान सके। तो आगे का जब कोई गुरु मिले, जब कोई मुर्शिद मिल जाए तब तो आपको बताएगा, नहीं मिलेगा तो क्या बताएगा। तो कह रहे साहब उसी के हुक्म में सब रह गए, जो उसने आदेश किया है कि ये हमारे देश का विधान है इसका सब पालन करो, इसमें लग गए। कोई कर रहा कोई नहीं कर रहा, कोई पालन करा रहा कोई नहीं कर रहा, इसमें लग गए सब। और इसी कर्जे को प्राप्त उनके लाद करके भोग रहे कि पशु पंछी ये कीड़े मकूड़े पहले तो कोई होनी थी नहीं, नरकों में कोई होनी नहीं थी, जब ये विधान बनाया तब उन्होंने बनाया कि वास्तव में आप पाप करोगे बुरा काम करोगे तो मैं इनको रखूंगा कहाँ कहाँ बदला लूंगा, तब उसने रोनी बनाई, इसमें बंद करके और तुमको सजा दी जाएगी। तो वह है भोग योनी और यह है कर्म योनी, मनुष्य शरीर कर्म योनी है, इसमें जो कर्म करोगे उसमें भोगा जाएगा, तो कुछ कह नहीं सकते, वो कर्म योनी नहीं है, भोग योनी है। अब आप भोग भोगो, तुम प्यास लगी है पानी नहीं मांग सकते, भूख लगी है खाना नहीं मांग सकते हो, जाड़ा लगा है तो कोई कपड़ा नहीं मांग सकते हो, अब खड़े हुए ऐसे ही वो कुछ कह नहीं सकते। अरे जो कहता है तुमको सुनाता है कि हमको भूख लगी उसको तो देते नहीं हो, उसको तो जाड़ा लगा है तो कोई कपड़ा नहीं देते, वो तो नंगा छटुरता रहता, इसका बोध नहीं है पशु पक्षियों क्या बोध होगा, उनकी बात उनको तो सजा मिल गई। अब इसी में से निकाल कर कर्म अनुसार उसको बंद कर देगा, इसी से उच्चार करोगा, सीधा कोई पशु पक्षी योनि में नहीं जाता। तो कहते हैं भाई क्या करें, ये सब इसकी अजूरी में सब, इसके आदेश के पालन करने में सब लग गए, और फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ, सब बिगड़ गया, एकदम सृष्टि खराब हो गई। बोलो वह दयाल पद अगम अपारा तीन सुन आगे रहा, वो पद जो दयाल पद है वो सबसे अलग है, अलग जा रहा है। और ये है तीन जल कमर है तुर्टी डी है जब द्वारा इसकी परे पार ब्रह्म के परे वो पद मिलेगा, अपना देश वहां से सब जीवात्माएं आई है, काली वहां से आई तो लुंड वहीं से आई, लेकिन अब उनकी मौज मर्जी थी तो उन्होंने ये सब बना करके और इनको भेजा है, जिनको ये रात दे दिया, बस तपस्या में रात दिया है, सब किया उनकी सेवा की है, खुश हो गए तो उन्होंने दिन दे दिया, जीवात्माओं का भंडार एक छोटा सा सबको बांट दिया, इसको लेकर के राज करते हो, जो निकल गए तो चले गए और जो रह गया उनको बता लिया। जब कोई पाप पुण्य नहीं था तब तो जो जीवात्माएं हैं वापिस गई, उस ब्याज पद में जो सबसे परे है उसमें वही अनाम पद है, उसी को अनाम पद कहते हैं, उसी को ब्याज पद कहते हैं, और ये सबसे परे है, और बिना महात्मा फकीर के तो कोई जानता नहीं है। तो आप उनसे लिखने पढ़ने में लगे रहते हो, ये लिखा ये नहीं लिखा, ये है ये नहीं है, बाकी उल्टा सीधा करते धरते रहे, वो भी क्रिया नहीं होती है कि चलो भाई सीधी क्रिया करें, तो वो भी नहीं समझ पाते क्यों कि कराने वाला जानने वाला तो कोई है नहीं, अब ये उल्टा सब हो गया है, इसमें फर्ज है विकार हो। बोलो संत बिना कोई भेद न जाने उस घर से वह आए बखान, वो सूरत कहती है जब गुरु की कृपा और दया हुई मैं जब पहुंचा तो देखा वो अथाह सागर है, कहते हैं कि भाई संत में संतों का कोई भेद नहीं जानता, वो जब उस घर से आए यहाँ इस मजबूती तन में इस मकान में और आकर के भेद होता है तो समझ में आएगा, और जब तक मिलेंगे नहीं उसका भेद नहीं बताएंगे तो किसी की समझ में नहीं आ सकता, कोई नहीं समझेगा। वो आते हैं और आकर के जीवों को जगाते हैं, सुना सुना करके उनमें जागृति पैदा कर देते हैं, रास्ता बताते हैं, मदद करते हैं, उनके पाप उनको धोते हैं,
ज्ञान रूपी अग्नि को जला करके और नाम जो है उसके साथ जीवात्मा को छोड़ देते हैं, तब वो नाम को पकड़ के तब कड़ाई करता है साधक। नाम तो सबके अंदर है लेकिन कौन कमाई करता है? अब बैठ के ध्यान भजन सुमरण करते हो सुनाई देता है, उसी को सुनते सुनते वो स्पष्ट हो जाएगा तो तुम पकड़ने लगोगे, चलने लगोगे। तो सीधा दरवाजे पर है तो घाटी पर है, तो घाट पर अपनी चीज को जगा नहीं सकते। क्यों? कि सफाई नहीं कर सकते, आपके पास कोई झाड़ू नहीं है साफ करने की। तो ज्ञान रूपी यानी प्रकाश जब उदय होता है और शब्द आता है, आवाज आती है, साफ कर लेती है, झाड़ू लग जाती है तो अंतःकरण की सफाई हो जाती है, तो जीव निर्मल हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण निर्मल जीवात्मा सो जन्म पाते, वो प्राणी मुझको पास कोई ध्रुव भी देखता है, ब्रह्म को भी देखता है, पार ब्रह्म को भी देखता है, महाकाल पुरुष का भी दर्शन किया था और जो दयालु पुरुष है उसका भी लिखा जाता है अपने देश में, लेकिन उनकी कृपा से महापुरुष बगैर घर से आए हुए संत नहीं मिलेंगे तो जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। बोलो। मैं भी उन चरणन कर दासा भाई प्रतीति बधी पद रूपी तन में सूरत कहती है मैं, यानी मैं उनके चरणों का दान हो गया, इस तन को मन को उनको दे दिया, उनके चरणों में लिपट गया, उनका दास सेवक हो गया, जो कुछ भी कहा वो किया, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब मुझे उनका विश्वास हो गया, जब विश्वास हुआ प्रीत प्रतीत हो गई, विश्वास हो गया तो जगत से मोह ममता लोभ क्षोभ ये छूटा। वह क्या करेगा? ब्याह तो करेंगे, नाम के साथ तुरंत को जोड़ दिया, चढ़ा ले चले और घर में इसी तुरंत को घर में पहुंचा दिया, अपने देश में जो अनाम देश है जो सबसे परे वो पहुंचाया। तो कहते हैं कि अब तो हमारी आशा घर जाने की बन गई और वहां पुरुष मिल गए, उनके चरणों की दासी हो गई, वो वहां आने और जाने वाले मिले। बोलो। सूरत शब्द का नाम का पकड़ाने का मार्ग दिया, रास्ता भेज दिया, युक्ति बताई कि इस तरह से सूरत को नाम के साथ जोड़ दो, नाम को पकड़ लो, शब्द को पकड़ो, वो उन्होंने और कृपा कर उन्होंने अपना बना लिया, सूरत को नाम पर जोड़ा और चढ़ा ले चले, अपने चरणों में जो प्रकाश स्वरूप है सूरत को उसमें लगा लिया, अब ले चलेंगे क्योंकि उसमें तो प्रकाश है। यह सूरत से ज्यादा चरण कमलों में अंदर में जब आग खुलती है तो उसमें रोशनी है, सूरत से ज्यादा प्रकाश, और मालूम होता है कि इसका कितना बड़ा मंडल है, तो संसार का मंडल उसके सामने कुछ नहीं है, बहुत बड़ा मंडल है, यानी बहुत बड़ा लोक है, उसमें वो खिले हुए तो चरण कमलों में जब जा करके वो लिपट जाती है तो कहते हैं उन चरणों की अब दासी हो गई, सिर्फ काम हो गई, अब उनको छोड़ करके नहीं नहीं जाता, अब उनकी कृपा होने लगी, दया होने लगी, तो ले चलेंगे उस पर। वही तो तुलसीदास जी महाराज को या नानक जी को जब गुरु मिल गए तो वही तो बात उन्होंने बताई कि भाई देखो गुरु मुझको मिल गए कज गुरु, और उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया, तो उनकी कृपा से उनकी दया से तब मुझको वह नाम पद मिला, मेरे देव उनसे कुछ नहीं, वो कर्म गुरु जो चरणों में और ऊपर आते जाते हैं वो गुरु मिले, उन्होंने ये दे दिया, युक्ति बताई, कहा ये रोज करो तुम्हारे अंदर की आंख अंदर का कान और नाक खुल जाएगी और देख चरणों में, तो अंदर तो बहुत बड़े बड़े लोग, ये तो लोग कुछ नहीं है, जो बाहर की आंखों से देखते हैं कुछ भी ना के बराबर, उधर तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, बुरी से तो रचना आई है, ऊपरी से विस्तार करते आए, ऊपर बड़ी रचना, उसके और से छोटी, उससे और छोटी, उससे और छोटी, ये मृत लोग है सबसे छोटा स्थान है, ऊपर से इससे तो बड़ा स्वर्ग है, उस स्वर्ग से बड़ा बहुत बड़ा वैकुंठ है, उससे ऊपर ईशु का लोक है, फिर ब्रह्मांड है, उससे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऊपर में तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो कुछ नहीं लगता तुम्हारे शरीर नहीं से जाता है, तो गुरु की बड़ी पैर हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई कि उन्होंने सूरत सब का हमको मार दिया, और हमने उसकी कमाई की और दया हो गई।
बात थोड़ा चल रही है, अब यही कहेंगे मुझे पहुंचा दिया। वो